आज यहाँ उपस्थित हुए हैं गीता के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम मैं सुधांशु रघुवंशी, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का छात्र, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमद्भगवद्गीता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्रीमद्भगवद्गीता कोई रटने वाली वस्तु नहीं है, इनफैक्ट ये वस्तु ही नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जैसा सर ने कहा, आर्ट ऑफ लिविंग, श्रीमद्भगवद्गीता वो है। श्रीमद्भगवद्गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली, इसलिए निकली क्योंकि वो समस्त संसार के लिए लाभप्रद सिद्ध हो, मात्र उन्होंने अर्जुन को ये ज्ञान नहीं दिया, ये बात हमें समझना होगा। भगवान वेदव्यास ने लिखा, 3 वर्ष लगे उन्हें महाभारत लिखने में, 1,00,000 श्लोक उन्हें प्राप्त हुए, 1,00,000 श्लोक, किंतु जैसे ही उन्होंने परमात्मा संचार तोड़ा, मात्र 1,00,000 श्लोकों को याद रहे, उन्होंने उसे पिरोया, जिसे महाभारत कहते हैं, और उनमें से एक छोटा सा भाग श्रीमद्भगवद्गीता है, जिसे सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ कहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में सर्वप्रथम धृतराष्ट्र एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। पहली बात जिज्ञासा, जिज्ञासा से 700 श्लोकों का एक पूरी माला पिरो दी गई। जिज्ञासा बहुत आवश्यक है, आजकल हम सभी बच्चों के बीच में, मेरे बीच में, हमारे अंदर, सबके अंदर एक जिज्ञासा पनपती है। जिज्ञासा के लिए ही नचिकेता, जिसने इतनी कम उम्र में ही यमराज से साक्षात्कार कर लिया, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमें आवश्यकता है बच्चों के जिज्ञासा को दमन करने का, उनकी जिज्ञासा शांत करने की, और आज ऐसा हो रहा है। स्वामी जी को मैं कृतज्ञ हूँ कि स्वामी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि गीता के बारे में बता रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, मृत्यु क्या है। भगवान कृष्ण जब मिलते हैं अर्जुन से बोलते हैं, किंतु हंस के बोलते हैं, ज्ञान किस मुद्रा में देते हैं, हंस के, शांत रस में बिल्कुल, अर्थात जो ज्ञान है वो शांत रस में दिया जाता है। आप क्रुद्ध होकर या फिर किसी अन्य अलंकार में आके नहीं बोल सकते हैं कि हम भयानक हो गए, हम रौद्र हो गए। भगवान जब अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन बोलता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो भगवान बोलते हैं कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, कुतस्था कश्मलमिदम विषमय समुपस्थितम। भगवान उनको डांटते हैं। आज हम सभी छात्र, हमें शिक्षक डांट देते हैं, हम सोचते हैं कैसे डांट दिए, किंतु उस वक्त आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले, उससे भी पहले, कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डांटा और 700 शब्दों में, 700 श्लोकों में पूरा सत्य ज्ञान दिखा दिया उनको, जिससे अर्जुन उठे और उन्होंने युद्ध लड़ा। संसार का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण सबसे पहले डांटते हैं कि कुतस्था कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, तुम्हारे मन में ये कश्मल आया कैसे, तुम युद्ध नहीं लड़ोगे। भगवान उसके बाद समझाते हैं, गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो हैं या जो चले जाएंगे उनके बारे में पंडित जन कभी सोचते नहीं हैं, और तुम युद्ध करो। श्रीमद्भगवद्गीता में बस इन्हीं बातें बताई गई हैं, एक कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हम समझते हैं भक्ति योग बड़ा आसान है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति योगी बनता है वो पहले ज्ञान योग, तत्पश्चात कर्म योग, और उसके बाद भक्ति योग की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान योग क्या है कि ये जो आत्मा है वही अमर है, शरीर अमर नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्गः, ये ज्ञान योग है। भगवान कृष्ण सबसे पहले समझाते हैं अर्जुन को कि ये आत्मा अजर अमर है, ये कभी काटी नहीं जा सकती, न मारी जा सकती है, ये न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। तत्पश्चात भगवान अर्जुन को कर्मयोग सिखाते हैं। कर्मयोग अर्थात कर्मयोग, कर्म और योग, यानी कि जो कर्म और योग, यानी कि हमें उस कर्म में निष्काम होकर काम करें। निष्काम क्या है? सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी को छोड़ करके जो भी परिणाम है वो भगवान को अर्पित होगा और बस हम काम करेंगे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा बस कार्य करने में अधिकार है, कार्य के फल में नहीं, क्योंकि जो तुम कार्य कर रहे हो वो मात्र भगवान द्वारा किया जा रहा है, और जिस दिन हमारे मन से ये बात निकल जाएगी कि मैंने ये काम किया, उस दिन हम परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म के भी कोई नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण, अर्थात एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप कर्म नहीं कर रहे हैं वो भी आपका कर्म है, ये सारी प्रकृति कार्य के ही वश में है, और ये कार्य के द्वारा ही प्रकृति चल रही है, चलायमान है। अतः हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म कैसा? निष्काम, अर्थात उसके फल के बारे में बिना चिंता किए। हमें कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम कर्म नहीं करते हैं, पहले फल की आकांक्षा कर लेते हैं, हमें इतना मिलना चाहिए, ये भगवान बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तभी आप परम गति को प्राप्त होंगे। और जो व्यक्ति पहले ज्ञान योगी फिर कर्म योगी बनता है, वही भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है, भक्ति योग अर्थात भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति मात्र अगरबत्ती लगाना नहीं है, वो मात्र भक्ति है, भक्ति योग ही हमें बनना है।
जो कि आज के समय में बनना बहुत कठिन है। तब जाके अंतिम श्लोक में, अंतिम से कुछ श्लोक पहले जब अर्जुन का मोह नष्ट होता है, तब बोलते हैं कि भगवान संजय बोलते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ भगवान कृष्ण होंगे, जहाँ पार्थ धनुर्धर होंगे अर्थात अर्जुन होंगे, वहाँ विजय अवश्य आएगी। और मेरा मानना है कि अत्र योगेश्वर कृष्ण अत्रैव पार्थो धनुर्धर, यही कृष्ण है और यही अर्जुन है। इसलिए हम सब भी इस कुरुक्षेत्र से निकलें, अपने धर्म क्षेत्र में मात्र कार्यरत रहें, वो भी निष्काम होकर के, और भगवान की आराधना करें। भगवान की आराधना क्या है? कर्म है। निष्काम कर्म आप करेंगे तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं आप साधक बन जाते हैं, आप बाध भी कर रहे हैं यदि आप उसमें 100% देते हैं, क्योंकि योग कर्म सुकौशलम कहा गया है कि कोई भी कार्य जिसमें आप 100% देते हैं उसे कहते हैं कि आप कर्मयोगी बन गए हैं। आप 100% कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं या खेल भी रहे हैं, आप किसी भी कार्य में 100% दे रहे हैं, आप साधक बन गए, आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, तभी कहा गया कर्म ही पूजा है। तो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है आज के समय में कर्मयोगी बने और गीता के पथ पर अनुसरण करें, क्योंकि लोग उच्चारण करते हैं अनुसरण नहीं करते। हमें आवश्यकता है पहले अनुसरण करें फिर उच्चारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।